हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेसिपी जिन्हें आप ब्रेकफास्ट या फिर टिफ़िन या फिर इवनिंग स्नैकिंग के लिए बना सकते हैं। काफ़ी फिलिंग है, सिंपल है इनको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की सबसे पहली रेसिपी है पालक मसाला पूरी। ये पूरी काफ़ी मसालेदार होती है, तो आप इसको सिंपल बिना सब्जी के भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिया था आटा, उसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ तिल। यहाँ पर ये मल्टी कलर तिल हैं, ब्लैक एंड वाइट मिक्स हैं इसमें, तो मैंने ये ऐड किए हैं। आपके पास जो हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच डाला है रेड चिली पाउडर, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पालक प्यूरे। तो पालक प्यूरे लगभग ये 1 कप के जितना मेरे पास है, तो मैं ये पूरी ही इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो ये पालक पूरी के साथ पहले आटे को आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो बना लें। तो ये देखिए इस तरह का ये डो बन गया है। इस डो को आप थोड़ा सा टाइट ही रखें क्योंकि इसमें पालक प्यूरे है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लूज़ ये हो जाता है अगर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट करवाएंगे तो। अगर आप टाइट रखेंगे तो जब तक आप पूरी बनाएंगे ये नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है और अब इसमें से छोटी छोटी सी लोई आप तोड़ लें इक्वल साइज़ की, और फिर हम इससे पूरी बनाना शुरू करेंगे। ये सारी लोइयाँ बना ली हैं मैंने, ये मैंने एक प्लेट के ऊपर ले ली हैं। तेल मैंने गरम करने रख दिया है क्योंकि पूरियाँ हमेशा हाई फ्लेम पे ही तली जाती हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है चकले पे और बेलन पे, और इसके बाद हम ये मीडियम साइज़ की पूरियाँ बेलना शुरू करेंगे। अगर आप इनकेस तेल थोड़ा सा लेट रखते हैं तो अपनी सारी पूरियाँ बनाते हुए एक प्लेट में रख लें और फिर एक साथ उनको फ्राई करें। अगर आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और आप साथ के साथ पूरियाँ उतार सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी एकदम फूलकर ऊपर आ गई है। तो इस तरह से बस बाकी पूरियाँ हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाती हैं, एक बार आपका तेल गर्म रहे तो ये बहुत आसानी से पूरियाँ रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन पूरियों को मैंने सर्व किया है आलू मटर की सब्जी के साथ में। आप कोई भी रसे वाली सब्जी या सूखी सब्जी के साथ इन पूरियों को सर्व कर सकते हैं, और ये सिंपल दही के साथ भी बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। तो आप सिंपल सी रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी भी है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी है ये वेजिटेबल टोस्ट, जिन्हें कि हमने बिना ब्रेड के बनाया है और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं, साथ ही सिंपल हैं बनाने के लिए। इसको हेल्दी रखने के लिए मैंने यहाँ पर ओट्स का यूज़ किया है। तो 1/2 कप हमने इसमें लिए हैं क्विकर ओट्स, और उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप सूजी। तो ये देखिए दोनों इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसका हमने बैटर बनाना है, तो बैटर बनाने के लिए हम 1/2 कप ही इसमें ऐड करेंगे दही। तो तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में आप ले लें और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें। दही के साथ ये पूरे अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसमें हमें लगभग 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे सेम मेजरिंग कप से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप में आपको ये इस तरह से लगेगा। इसके बाद अभी इसको हमने रखना है 15 मिनट सोक करने के लिए, ताकि जो ओट्स हमारे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इनकेस आपको बहुत ही क्विक बनाना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ओट्स को थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, तो वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ये बैटर थोड़ी देर रेस्ट करेगा। यहाँ पर सब्जियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। गाजर ली है, स्प्रिंग अनियन ली है, कॉर्न लिए हैं, साथ ही 2 कलर के बेल पेपर्स लिए हैं। आपके पास जो भी सब्जियां हों आप वो डाल सकते हैं। ग्रीन कैप्सिकम डाली जा सकती है, अनियन इसमें डाला जा सकता है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने ये चॉप करके रखी हैं। यहाँ पर इसमें मैंने 1/2 कप पानी और ऐड किया है ताकि इसका बैटर एकदम परफेक्ट बने। ये बैटर इस तरह का हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो मिक्स जो होता है पिज़्ज़ा सीजनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डाला है 1 बड़ा चम्मच, और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही चिली फ्लेक्स मैंने डाला है। इसलिए आपने देखा इसमें रेड चिली या ग्रीन चिली मैंने नहीं यूज़ की है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सारी सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी हैं। यहाँ पर आप सब्जी कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको इसमें पसंद आती हैं, बट इसमें कॉर्न का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, तो कॉर्न आप ज़रूर डालें तभी आपको उसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर शिमला मिर्च आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ये रेड और येलो बेल पेपर नहीं है।
इसके साथ ही अनियन चॉप करके डाल सकते हैं, हरा धनिया खूब सारा डाल सकते हैं, बट कॉर्न ज़रूर डालिएगा तभी आपको इसी तरह का टेस्ट मिलेगा। इसे हम बनाने वाले हैं, ये सैंडविच मेकर जो आता है हमारा सिंपल सा, उसमें अब यहाँ पर इसमें मैंने इस टाइम पे नमक ऐड किया है। नमक मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला है, अदरवाइज इसमें बहुत सारा पानी निकल जाता सब्जियों की वजह से। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर हाफ स्पून भर के आप इनो ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी ये हो, और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि इनो अच्छे से रिएक्ट करे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर सैंडविच मेकर को मैंने गर्म कर लिया है और उसमें लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप इन सेक्शंस में हम भर देंगे ये बैटर। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी इस तरह से रख सकते हैं तो आपको अलग अलग ये टोस्ट की तरह निकलेंगे। चाहे तो आप जैसे मैंने कवर किया है पूरा उस तरह से कवर कर सकते हैं, तो इनको आप बाद में कट भी कर सकते हैं। तो ये बड़े साइज़ के और थोड़े से मोटे बनेंगे, तो जिस तरह से भी आपको ठीक लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं दोनों ही सेक्शन ये अच्छे से फिल कर दूँगी। जब भी आप ये बैटर डालें तो एक बार सैंडविच मेकर को हल्का सा प्रीहीट कर लें ताकि उसकी प्लेट्स गर्म हो जाएं, तो इसमें बैटर फिर चिपकेगा नहीं। अगर आप ठंडे में डालेंगे बैटर तो उसके चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, देखिए ऑन है ये, और इसको 5 मिनट के बाद मैंने फिर से ओपन किया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें से स्टीम निकल रही है, तो जब तक इसमें से स्टीम निकल रही है तब तक ये कुक हो रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल और ड्रिजल कर दिया है ताकि अच्छा सा ब्राउन क्रस्ट इसके ऊपर आए। अब आप देखेंगे इसमें से स्टीम निकलना बंद हो गई है, तो इस टाइम पे ये परफेक्टली कुक है। आप चाहे तो टूथपिक डाल के भी देख सकते हैं कि ये कुक हुआ है कि नहीं। बस इसको आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे, ये एकदम निकल जाएगा। और इसे अब शिफ्ट कर लेंगे हम एक प्लेट के ऊपर। ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है क्योंकि गर्म भी है तो सॉफ्ट रहेगा जिस तरह से केक होता है। तो बस आप बहुत हल्के हाथों से इसको नीचे निकाल लें और फिर इसे सेंटर से हम कट करके दो पीसेस में कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये वेजिटेबल सूजी टोस्ट बनकर रेडी हैं। इसी तरह से दूसरा पोर्शन भी मैं निकाल लूँगी और उसको भी कट करके इस तरह से हम सर्व करेंगे। और काफ़ी सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं, कॉर्न का टेस्ट काफ़ी अमेजिंग आता है। इसको आप हरी चटनी, केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सुपर सिंपल रेसिपी है, बच्चों को आप दे सकते हैं टिफ़िन के लिए। बच्चों को उस तरह के टिफ़िन काफ़ी पसंद आते हैं जो इजीली वो ग्रैब करके खा सकते हैं। तो आप भी इस सुपर सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे तो ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लिए टिफ़िन में। सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आज की थर्ड रेसिपी है शाही पोहा। ये नॉर्मल पोहे से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट है वो आप देख लीजिए, ये मैंने 1 कप लिया है पोहा। इसके साथ ही मैंने कॉर्न और पीज लिए हैं बॉईल, साथ ही थोड़े से अनार, काजू, बादाम, किशमिश और मूंगफली। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके साथ धनिया पत्ता, करी पत्ता, जो भी आपके पास ग्रीन हो आप डाल सकते हैं। 1 चिली मैंने ली है, थोड़े से टमाटो लिए हैं जो डीसीड करके मैंने चॉप किए हैं, 1 प्याज चॉप किया हुआ है, 1 लेमन लिया है, साथ ही नमक, हल्दी, मिर्च और राई ली है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे पोहे को। तो पोहे को मैंने थोड़े से पानी में हल्का सा सोक किया, उसके बाद इसको ले लिया 1 छलनी के ऊपर। आपको पोहे को बहुत देर तक नहीं भिगोना है, अदरवाइज़ पोहा फिर एक साथ चिपक जाता है। बस इस तरह से जाली के ऊपर रखकर आप इसको आराम से पानी इसके ऊपर चला दें, इससे ये क्लीन भी हो जाएगा। उसके बाद आप ले लें 1 प्लेट को और प्लेट के ऊपर इस तरह से पोहे को फैला दें। यहाँ पर जितना भी पानी है वो स्क्वीज़ कर लें और जितना इसमें रहता है वो पोहे को फूलने में मदद करेगा। तो एक बार जब आप धो देते हैं पोहे को, फिर आप उसको छलनी में नहीं रखें बल्कि उसको बड़ी प्लेट में फैला दें। और इसी टाइम पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी और इसमें लेमन जूस। इससे ये ऑल ओवर इसके लेमन जूस चला जाता है, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। ऐसे नहीं लगेगा कि आपने बाद में अगर लेमन डाला तो कहीं पर लेमन का फ्लेवर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह से हल्दी और लेमन के साथ मैंने इसको अच्छे से कोट कर दिया है और अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम कर लेंगे बाकी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसको हम शाही बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर घी में बादाम और काजू को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, जब तक इसकी अच्छी सी महक नहीं आने लगती। तो ये हमारे काजू और बादाम रोस्ट हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे 1 प्लेट के ऊपर, इन्हें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसी में जो ऑयल है उसमें मैं रोस्ट कर रही हूँ मूंगफली को। मूंगफली रोस्ट हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और अब हम बनाएंगे जो मसाला बनता है प्रॉपर पोहे के लिए। सबसे पहले मैंने राई डाली है, उसके बाद मैंने चॉप्ड अनियन ऐड किया है,
ग्रीन चिली और करी पत्ता। करी पत्ता को डायरेक्टली तेल में नहीं डाला है, अदरवाइज़ वो बहुत छिटकता है। ऊपर से आप डालेंगे तो पूरा फ्लेवर भी रहेगा और करी पत्ता ग्रीन भी आपका रहेगा, जो पोहे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छे से हमने यहाँ पे अनियन को भून लेना है जब तक कि ये ट्रांसलूजन सा नहीं हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कॉर्न और पीज इसमें ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, पर थोड़ा सा उनमें रॉनेस रहती ही है, तो उसको हम अच्छे से प्याज के साथ ही भून लेंगे। अब इस टाइम हम इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हल्दी हमने ऑलरेडी थोड़ी सी यूज़ की हुई है तो थोड़ी सी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून है। इसके बाद हम इसमें टमाटो भी ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं। और इस तरह से ये सारी सब्जियाँ बहुत ही अच्छे मॉइस्चर में कुक होंगी। इसके बाद इसको थोड़ी देर लिड से कवर कर दें। जब आपकी सब्जियां अच्छे से डन हो जाएं, बहुत ही सॉगी नहीं होनी चाहिए, क्रंच इनमें रहना चाहिए, बट हाँ कुक ज़रूर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से ये खड़ी खड़ी जब सब्जियां हैं और कुक हो चुकी हैं, तब इसमें हम ये पोहा डाल देंगे। और आप पोहे को देख सकते हैं इस टाइम पर कितने अच्छे और खड़े खड़े ये पोहे हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं प्लेट में अलग से पहले से इसको लेमन लगा के छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये फूल जाते हैं और खड़े खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे सारी सब्जियों के साथ मैंने पोहा ऐड कर दिया है और उसके बाद इसमें मूंगफली और जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है, उसको मैंने जस्ट रॉ ही इसमें ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें हमने जो हाफ लेमन बचा के रखा है वो इस टाइम पर ऐड कर देंगे ताकि सब्जियों में भी थोड़ी सी खटास इसकी आ जाए। और ये देखिए पोहा हमारा बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। थोड़ी देर हम इसको लिड से कवर करके रखेंगे। और यहाँ पर एक टिप है, अगर आप अभी सर्व नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर आपको लग रही है इसको सर्व करने में, तो 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें मिल्क आप ऐड कर दें, दूध जो प्लेन मिल्क होता है उसको ऐड करके ढक्कन लगा के आप छोड़ दें तो बहुत ही सॉफ्ट ये पोहे हो जाते हैं, साथ में चिपकेंगे भी नहीं। ऊपर से अगर हरा धनिया आपके पास है तो आप हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारा शाही पोहा बनकर रेडी है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। ऊपर से आप इसमें डाल दें अनारदाना, सेव है तो सेव आप डाल सकते हैं, और इस तरह से गार्निश करके इसे सर्व करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और नॉर्मल पोहे से काफ़ी डिफरेंट ये बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो ये थी आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।